20,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास आप यहाँ पे प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इनिशियल यू नो बुकिंग्स के लिए कुछ कंपनी कुछ यू नो इनिशियल ऑफर्स कुछ डिस्काउंट्स आपको ऑफर कर सकती है। दिस प्रोजेक्ट इज बिंग बिल्ट ऑन अ फॉरेस्ट थीम, मतलब ना आज के टाइम में अर्बन जंगल में हम लोग रह रहे हैं, यू नो गुड़गांव में ग्रीनरी उतनी ज़्यादा नहीं है, विल बी प्लांटिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, इसके अंदर गाइज ये आपका पोडियम भी इनकी ग्रीनरी वाला होगा, इनका जो टॉप फ्लोर है वहाँ पर भी, जैसे मान लीजिए आप सुंदर नर्सरी या किसी अच्छी साउथ दिल्ली की नर्सरी में जाते हैं, उस टाइप की ग्रीनरी आपको यहाँ टेरेस पे भी मिलेगी। प्राइस पॉइंट के हिसाब से और जो फ्यूचर डेवलपमेंट है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की और गोदरेज का जो भरोसा है, इन सारी चीज़ों को देख के गाइज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हाउस फॉर योर सेल्फ ऑन एक्सटेंशन रोड तो आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर यू नो कंसिडर करना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय, और गाइस आज मैं आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे गोदरेज का जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है एरिस्टोक्रेट सेक्टर 49 में, उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देने आया हूँ। ऑब्वियसली गाइस इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने पहले आई एम श्योर बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे, बट उन वीडियोज़ में और मेरे वीडियो में फ़र्क ये है कि मैं ये वीडियो कंपनी से फॉर्मली परमिशन लेने के बाद एज फार एज द रेरा स्टेटस इज कंसर्न मैं उसके बाद बना रहा हूँ। आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस मिलेंगे जिन्होंने 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले इस प्रोजेक्ट का वीडियो बनाया था विच इज़ इलीगल एज पर द नॉर्म्स ऑफ हरियाणा रेरा। ठीक है, तो यू मस्ट वॉच आउट फॉर दोज गाइज यू नो हु आर गिविंग यू दिस इन्फॉर्मेशन यू नो बिफोर दे आर ऑफिशियली अलाउड टू से सो। एनी फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज इस प्रोजेक्ट के बारे में 2-3 चीज़ें हैं मेनली जो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज के बारे में कुछ बैकग्राउंड में अगर आपको बताऊं, ऑब्वियसली आप लोग इस ग्रुप को अच्छे से जानते हैं, यू नो मोर देन 70-80% इंडियंस गोदरेज का कोई ना कोई प्रोडक्ट यू नो डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में यूज़ करता ही है। ये लोग मतलब FMCG के बिजनेस में भी हैं, ये लोग फर्नीचर में भी हैं, ये लोग सिक्योरिटी में भी है, होम अप्लायंसेज में भी है, यू नो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट रिप्यूटेड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रियल एस्टेट में गाइज इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। दे गॉट लिस्टेड इन 2010 जहाँ पे इनको तकरीबन $100 मिलियन की यू नो यहाँ पे इनको वैल्यूएशन भी मिली थी, मतलब इन्वेस्टमेंट्स भी मिली थी। 2008 में इन्होंने एक प्रोजेक्ट आपका प्लैनेट गोदरेज के नाम से डिलीवर किया था विच वॉज द हाइएस्ट यू नो टॉलेस्ट हाई राइज स्ट्रक्चर इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पिछले कुछ सालों में मोर देन 200 अवार्ड से कंपनी रियल एस्टेट में जीत चुकी है। इन द ईयर 2019 इट वाज अवार्डेड एज द मोस्ट ट्रस्टेड रियल एस्टेट ब्रांड ऑफ द कंट्री एंड यू नो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ट्रू। और इनके ऑल ओवर द इंडिया प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं दिल्ली NCR की बात करता हूँ, इन्होंने नोएडा में भी एक दो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, दिल्ली में भी इनका एक साउथ दिल्ली में और एक कनॉट प्लेस में प्रोजेक्ट है। जहाँ तक कि गुड़गांव की बात है गाइस, गुड़गांव में इनके करंटली 3-4 प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। इनका मेरिडियन है सेक्टर 106 में, उसके बाद इनका अगर मैं बात करता हूँ आपका हैबिटेट है सेक्टर 3 में रेलवे स्टेशन के पास, 85 में गोदरेज एयर है, उसके अलावा ये आपका यू नो 79 में भी 2 प्रोजेक्ट बना चुके हैं, 88 में भी ये 2 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। और ये वाला जो इनका प्रोजेक्ट है ये इनका यू नो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होने वाला है फॉर देयर फ्यूचर लॉन्चेस, बिकॉज पीछे गोदरेज के MD की स्टेटमेंट आई थी दैट दे आर रियली लुकिंग एट दी NCR मार्केट वेरी वेरी क्लोजली व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट। सो गाइज लेट्स गेट गोइंग एंड टेल यू सम बेसिक डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट। सो गाइज जो इनका भी नया प्रोजेक्ट आया है सेक्टर 49 में, ये अगर आप आते हैं यू नो मान लीजिए SPR रोड से आप आ रहे हैं वाटिका चौक में, आप अंडर पास जो अब खुल चुका है उसको पार करके जब आप जाते हैं पहली छोटी रेड लाइट आती है जहाँ पे आपका राइट साइड पे MR का पाम ड्राइव है, वहीं पे लेफ्ट साइड पे एक रोड अंदर जा रही है, वहीं पे रोड से 200 मीटर अंदर ये प्रोजेक्ट है ओमेक्स नाइल, एक प्रोजेक्ट बना हुआ है उसके बिल्कुल साथ वाली ये इनकी लैंड है। इसके आसपास बाकी सारी जो डेवलपमेंट है वो आपकी यू नो लो राइज डेवलपमेंट है। लोकेशन के बारे में गाइज 2-3 चीज़ें, ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे आज की डेट में एक्सटेंशन रोड आने वाले कुछ सालों में यू नो पूरी कारपेट होने वाली है, अंडर पासेस फ्लाईओवर वहाँ पे ऑलरेडी प्रपोज्ड है, आपकी SPR रोड बन चुकी है, वाटिका का अंडर पास बन चुका है, द्वारका एक्सप्रेस वे अगले 1-2 साल में पूरा खुल जाएगा। तो जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा गाइज तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की ना एक अलग निखर के मतलब ना तस्वीर आपके सामने होगी। तो लोकेशन उस हिसाब से आपकी यू नो बहुत ही अच्छी है।
उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स आपको दूँ, मैंने एक इसका शॉर्ट भी बनाया था, मैं उसका भी लिंक आपसे शेयर कर लूँगा। ये प्रोजेक्ट गाइज इनका टोटल 10 एकड़ में है, जिसमें ये आपके ना 3 ट्विन टावर, मतलब टोटल ये 6 टावर यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 3 बेडरूम दे रहे हैं 1800-1900 स्क्वायर फीट का। एक 2100 वाले साइज़ की भी बात चल रही है, बट आई हैव नॉट हैड एनी कॉन्फर्मेशन अबाउट दैट। उसके अलावा यहाँ पे एक 4 बेडरूम देंगे आपको 2700-2800 स्क्वायर फीट का, ठीक है। 20,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास आप यहाँ पे प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इनिशियल यू नो बुकिंग्स के लिए कुछ कंपनी कुछ यू नो इनिशियल ऑफर्स कुछ डिस्काउंट्स आपको ऑफर कर सकती है, बट दैट वी विल नो वंस दे यू नो ऑफिशियली अनवील द रेरा एंड गिव अस द फर्दर डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। गाइस, इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी USP मुझे जो कंपनी वालों ने बताई है वो ये बताई है कि दिस प्रोजेक्ट इज बिंग बिल्ट ऑन अ फॉरेस्ट थीम। मतलब ना आज के टाइम में अर्बन जंगल में हम लोग रह रहे हैं, यू नो गुड़गांव में ग्रीनरी उतनी ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको लुटियंस दिल्ली से कंपेयर करें, या इनफैक्ट गुड़गांव में जो DLF के पुराना एरिया है या निर्वाणा का एरिया है, जितनी ग्रीनरी वहाँ पे है आपको यूजली उतनी यू नो गुड़गांव में मिलती नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट में गाइज मतलब ना दे व्हाट दे हैव टोल्ड अस इज दैट दे विल बी प्लांटिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। इसके अंदर गाइज ये आपका पोडियम भी इनकी ग्रीनरी वाला होगा, इनका जो टॉप फ्लोर है वहाँ पर भी, जैसे मान लीजिए आप सुंदर नर्सरी या किसी अच्छी साउथ दिल्ली की नर्सरी में जाते हैं, उस टाइप की ग्रीनरी आपको यहाँ टेरेस पे भी मिलेगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 55,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस में, ये जो स्विमिंग पूल बनाएंगे, दैट स्विमिंग पूल विल बी सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिवर। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि एक रिवर है जो एक फॉरेस्ट में बनी हुई है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ यू नो ग्रीनरी दैट दीज गाइज आर प्रॉमिसिंग। एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम इनके अंदर होंगे AQI लेवल को कंट्रोल करने के लिए, जो इन्होंने यू नो एयर प्रोजेक्ट इनका ऑलरेडी 85 में वहाँ पर भी कुछ ऐसी इन्होंने फीचर्स ऑफर करी थी, ठीक है। उसके अलावा गाइज ऑब्वियसली जो भी एक कॉन्डो में बेसिक आपकी एम्यूनिटीज होती हैं, जो भी आपकी नॉट आई शुड नॉट से बेसिक आई शुड से रादर लग्जरी एम्यूनिटीज़ होती है, वो सारे की सारी एम्यूनिटीज़ आपको 55,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस में मिलेंगी। 70-75% बोल रहे हैं ये लोग इसमें ओपन एरिया होगा स्टिल, प्लस 35-40 के आसपास इसमें आप फ्लोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक कि अपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशंस की बात है, तो ये आपको यू नो वही सारी चीज़ें जो नॉर्मली होती है, मॉड्यूलर किचन आपको देंगे, इटालियन मार्बल देंगे, वुडन फ्लोरिंग देंगे आपको, यू नो VRV VRF एयर कंडीशनिंग देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक और चीज़ जो मुझे बताई गई है कि जो आपके डेक्स होंगे, जो भी आपकी बैल्कनीज होंगी, उसकी विड्थ आपको यू नो अराउंड अबाउट मिनिमम 6 फुट की मिलेगी, सो दैट यू नो यू कैन यूटिलाइज इट वेल। और उसके अलावा गाइज जहाँ तक अगर मैं यू नो इस प्रोजेक्ट को कंपेयर करता हूँ मान लीजिए अदर न्यू लॉन्चेस से मार्केट में, तो अगर आप देखेंगे गाइज सबसे छोटा साइज़ जो आपका है मान लीजिए वो 380-385 की रेंज में आ जाता है, तो 4 करोड़ रुपए के बजट में आज की डेट में गंगा रियल्टी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है सेक्टर 84 में, ठीक है। जो इन्होंने लॉन्च किया हुआ है आपका प्रोजेक्ट हीरो वालों ने 104 में, वो भी इसी बजट में है। बट अगर मैं एक्सटेंशन रोड की बात करता हूँ गाइज, अभी स्मार्ट वर्ल्ड का नया प्रोजेक्ट आया है, वहाँ पे 5.5-6 करोड़ से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। आज की डेट में अगर आप देखते हो अर्बन ओएसिस के छोटे साइजेस को छोड़ के, आप चाहे किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लें, आपको इस प्राइस पॉइंट पे चीज़ें गुड़गांव में नहीं मिल रही हैं, और अगर जो मिल भी रही हैं वो मिल रही है रेडी टू मूव या नियर पोजेशन, जो कि एक एंड यूज़र के हिसाब से चीज़ होती है। गोदरेज का भी प्रोडक्ट गाइज ज़्यादातर, तो एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछोगे इट इज़ मोर ऑफ अ एंड यूज़र ड्रिवन प्रोडक्ट ओनली। आई डोंट नो कितने इन्वेस्टर्स गोदरेज में एंटर करते हैं, बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से और जो फ्यूचर डेवलपमेंट है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की और गोदरेज का जो भरोसा है, इन सारी चीज़ों को देख के गाइज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हाउस फॉर योर सेल्फ ऑन एक्सटेंशन रोड, तो आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर यू नो कंसिडर करना चाहिए। एज एक्सपेक्टेड आई थिंक 4 BHK में ज़्यादा मारामारी होगी 3 बेडरूम से व्हेन इट कम्स टू अलॉटमेंट। EOI का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यू नो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, यू कैन रीच आउट टू अस फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर यू नो विच इज़ फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन्स। और इसी तरीके से गाइज आप मुझे सपोर्ट करते रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर कॉमेंट। मैं आपको दोबारा जल्दी मिलूँगा, बाय फॉर नाउ।